शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला सीहोर के गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले नगर भ्रमण किया। इस दौरान रास्ते में जगह जगह अनेक सामाजिक और व्यापारिक संस्थाओं ने सीएम का भव्य स्वागत अभिनंदन किया। सीहोर में सीएम ने 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कृषक संगोष्ठी भवन का भी लोकार्पण किया और शासकीय महाविद्यालय में NULM के तहत प्रशिक्षणार्थी छात्रों से संवाद किया। सीएम शिवराज ने शासकीय महाविद्यालय में NULM के तहत प्रशिक्षणार्थी छात्रों से संवाद कर कहा कि मैंने अपने प्रदेश के बेटे बेटियों से यही कहा है कि जमाना बदल रहा है, आपको पढ़ना भी है, आगे बढ़ना भी है, नया भविष्य गढ़ना भी है। विशेषकर NSS के मैं देख रहा हूँ, NSS की बेटियां हैं ना, NCC NSS देखिए, मेरे बेटे भी हैं उसमें, सचमुच में देशभक्ति का भाव पैदा करते हैं। हम केवल अपने लिए नहीं, अपने लिए तो है, देश और समाज के लिए भी देशभक्ति का भाव भरते हैं। एक योजना मां तुझे प्रणाम में फिर से शुरू कर रहा हूं, जिसमें हमारे बेटा बेटियों को देश की सीमा पे हम ले जाते हैं, अपने गांव की माटी लेके देश की सीमा पे, चाहे वो चीन से लगी हो, पाकिस्तान से लगी हो, और अपने सैनिकों से मिलते हैं। किन परिस्थितियों में सेना काम करती है वो देखते हैं और फिर वहां की माटी लेके आते हैं अपने गांव। तो वो योजना भी, अब कोविड खत्म हो गया, वो योजना भी अब हम लोग जल्दी शुरू कर रहे हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, हर कदम पर नामा तुम्हारे साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में पुलिस के कार्यों की समीक्षा की और आगामी 2 वर्ष में अपराध नियंत्रण और पुलिस आधुनिक